8 शहर से चुनके अयली 32 भौजी, हर हफ्ता 4 गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वीक, और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1। नमस्कार प्रणाम सभी लोगों के, प्रियेश सिन्हा की ओर से बहुत बहुत स्वागत बारा और चहता प्रोग्राम महुआ प्लस पे भौजी नंबर 1 सीजन 7 में। एक जमाना रहे जब लड़की स्कूल जात रहे, चार लड़का के पढ़ा का होत रहे, और अब एक जमाना आ गइल बा जब लड़की कॉलेज जाले और 100 लड़का के फेल करा के चला वेले। और यही वजह से लड़की लोग अच्छा से घर चला रहल बालो, परिवार चला रहल बालो, पति के ख्याल कर रहल बालो, और जॉब में भी सबसे आगे बालो। और लड़का लोग के मर्द लोग के एगो काम दे दी तो माथा पकड़ के बैठ जाता लोग। चार और भौजी लोग आज फिर आगे निकल गए बालो, उनका मर्द लोग घर बैठ के रोटी सेक रहल बालो। चार भोजन के साथ हम हाजिर बानी, बहुत जोरदार तालियों के साथ उन लोग के स्वागत करें, और उससे पहले हम अपन जज लोगन के स्वागत करें, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार निर्देशक राजकुमार आर पांडे जी, और लोकगीत के मशहूर गायक बहुत प्यारे गोपाल राय जी, और मशहूर कथक नृत्यांगना विधा लाल जी, और हमने के ई हफ्ता के मशहूर सेलिब्रिटी गेस्ट प्लेबैक सिंगर इंदु सोनाली जी। और अब चार भोजन जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन पूर्वी भौजी, उनकर बगल में परमिला भौजी ठुमरी भौजी जमशेदपुर से, और उनकर बगल में चैती भौजी पटना से गुड़िया जी, और उनकर बगल में कजरी भौजी पूनम जी बोकारो से। कैसन मिजाज बा? ठीक है बा। जज लोग एकदम स्माइल दे रहल बा लोग, थोड़ा सा आई जानल जाओ इलू का कैसन मिजाज बा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश आप सभी के सारे विघ्नों को दूर करें, और आज के दिन की शुरुआत अच्छे खेल और अच्छे नंबरों से करें। भाजी आपका स्वागत है। एक गुरु मंत्र के साथ आज बढ़े के बारे बोलो इनके भैया। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल उसे जिसे भरोसा हो खुद पर। थैंक यू गोपाल जी। रुआ से हम चाहें कि रुआ एक सुंदर सा गीत परफॉर्म करके आज के महफिल में और रंग भर दी। अरे चौबे के पतोहिया की तो अरे जनलो परिदा, अरे हो जानल पारी ताई। ममिला बता दी विधा जी, राजकुमार जी, इंदु जी, गांव में एगो पतो ही आल बिया चौबे जी के, जोन मॉडर्न पतो ही बिया शहरी बिया, ओकर चर्चा बा पूरा गांव में, बाकी पंडित जी के भावत नहीं के। आय के पंडिताइन से कहते हैं कि अहो सुन लू हो बात अतना जी, अतरे उ चौबे जी के पतो ही गांव में आयल बिया, तो हाँ सुनत बानी जी की बड़ी सुघर सा घर बिया, बड़ी हाला बहते रे खाली सुघरे के हाला सुनत रू अतगा हमारी कहाँ करत क्या कहते सुन। अरे चौबे के पतो ही आकी दो जनलोताइन, अरे हो जनल परिताई ने आइल चार दिन, कि आइल चार दिन के कनिया बिया बुझात नहीं।
हमने के गांव में प्रथा कि मेहरारू घर मांगे सिंदूर करेली सब आ एकर एगो कारण भी बा कि जतने लमहर मेहरारू सिंदूर करी हस उतने मरद के उम्र लमहर होला उतना लंबा आयु होला मरद बाकी आजकल के बुरा जनमानी आजकल तो ऐसे नूतन की सहजा सिंदूर हो जाता आ ऊपर से झप दे बारो गिर जाता कि हम ब्याह बाद कुंवारे लागी अरे सीख से चुहावत बिया जनलू पड़ीताइन अरे हो जनलू पड़ीताइन मंगिया दो चुटकी के मंगिया दो चुटकी से नूरा बहु रात नहीं मंगिया दो चुटकी से नूरा बहु रात नहीं चहुबे के पतोहिया की तो जनलू चार दिन के कनिया पिया बुझात नहीं बचुर के बूते लजात नहीं चार दिन के कनिया पिया बुझात नहीं बचुर बचुर के बूते लजात नहीं चार दिन के कनिया पिया बुझात नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कमाल धमाल बेमिसाल धन्यवाद कैसा लागल है हमरा तो बढ़िया अच्छा लागल है आज तक के जो हली गोले बनी उसे ज्यादा निक लागल है ऐसे कि विधा जी तो अबे कैली है साथ बहुत देली है इंदू जी भी देली है आपके बहुत बहुत धन्यवाद हो जाए लोग भी सब कर देने सब लोगन के बहुत ताली अब हम ले रहल बानी एक छोटा सा ब्रेक और ओकरा बाद मस्ती जारी रही बन रहे हमने के साथ देखते रहे भौजी नंबर वन सीजन सात भौजी नंबर वन भौजी नंबर वन भौजी नंबर वन ब्रेक के बाद एक बार फिर से रेवोलेंगे स्वागत करता नहीं भौजी नंबर वन सीजन सात में चार नई भौजाइयन के साथ में हमने के हाजिर बानी सन ताजा तरीन एपिसोड में जहां पहला राउंड होके वाला बा मालूम पड़ा कि रघुआ लोग पढ़े लिखे के बहुत शौक बा चूंकि जीके वाला राउंड बहुत अच्छा बैल रहा है पूजा जी रघुआ भी पढ़े नहीं बहुत पढ़े लिखने का बहुत शौक था बट पढ़ नहीं पाई लिखा है आपने सिर्फ सिर्फ लिख डाला बस चलिए गाय का मौका दे रहा बानी राउंड बा गीत बहार गीत बहार में पूजा जी आए देख जाओ कौन सा गीत रघुआ गुनगुनाए मेरे
वाह पूर्वी भौजी, बहुत खूबसूरत ढंग से रहुआ चीज मंगाईनी है और ए टाइप से अगर गीत गा के अगर मंगाए तो हो सका था भैया पूरा कपड़ा के दुकान ला देस, धान ला देस पूरा। बहुत बधाई बा, प्रतिक्रिया मिली, नंबर मिली, पर अभी बाकी लोग लाइन में लागल बा तो ओकरा बाद थोड़ा रुआ सब्र करे के पड़ी। ठीक ना, जज लोग कलम चल रहा बा। पूर्वी भौजी आ जाए, ठुमरे भौजी पहुंच जाए। लोग के लड़कैया मिल जाला उन लोग के सीरियस पसंद बा, जे लोग के सीरियस मिल जाला उन लोग के लड़कैया पसंद बा। तो मतलब रुवा लोग पसंद का भाई समझ में आवल बहुत मुश्किल बा। तो रुवा का लगा था हम सीरियस काहे रहे नहीं, हमार लड़कैया मिलल वाली जीवन में सिखाती बीत जाता, वो सब सोचते रहता नहीं। अच्छा बा, अब जज लोग सोच रहल बा लोग और नंबर भी दे रहल बा लोग। ठीक ना, बहुत बधाई बा, बहुत अच्छा से रुवा परफॉर्म करनी है। ठुमरे भौजी के बुला रहल बानी और भेज रहल बानी अब चैती भौजी। बढ़िया, बहुत बढ़िया चैती भौजी। रउआ खुद लिगला अच्छा लागल हो? और रउआ हम तो कैसन गावी लिया आप लोग ना बताए बा। हाँ, हम कैसे बोल दी
जज लोग बताई लोग जज लोग खुश दिख रहा बा लोग तो अंदाजा लगाई। फिलहाल तो कचरी भौजी राहुल बारीबा तीता खा लेनी सन थोड़ा कुछ मीठा हो जाए। बहुत सारी तालियां। थैंक यू कजरी भौजी, मुझे बहुत शौक था। घुमा देनी है पहुंची पोडियम पे। और अब जज लोगों की प्रतिक्रिया आपस में गपशप कुछ प्लानिंग चल रहा बा रउआ लोग इनके बारे में तो आई जानल जाओ। सबसे पहले गोपाल भाई रउआ से। चारों भौजी भौजी नंबरों के चार चांद लगौ ली अपने गाना से और भौजी नंबर वन के शो जौन चल रहा बा गावे गावे बड़ी हालन उबा कर खास कर भौजाइन में। भौजाइन में जी भौजाइन में चर्चा बाकी चल सकी कैसे। अरे चल सखी महुआ प्लस पर चल सखी महुआ प्लस पर बहे गीत बाहर अब भौजी नंबर वन में जाके लूटल जाओ लहार। क्या बात खूब रुआ सब ऐसे ही लहार लूटत रहे मस्ती करत रहे हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामना। राजकुमार भैया बहुत नीमन सब भौजी लोग एकदम पहला बार लोग हमको लगा था कि इस तरह से पूरी तरह मतलब बैंड पार्टी ऑर्केस्ट्रा इस तरह से करके गाना ये बहुत टफ है। बड़े बड़े सिंगर कई बार चूक जाते हैं ताल सुर से गाते गाते क्योंकि जब लाइव गाना होता तो बड़ा मुश्किल होता है और हमारी भौजाइयों ने इतना बढ़िया से सबने निभाया जो जिसको आता था उस तरह सबने किया है। चैती भौजी उदास का है लग रहा बनी कोनो बात बका कुछ छुपा रहा बनी नहीं को? बताएं कौन ऐसा बात बा जोन रोवा छुपा रहा बनी बताएं कहां कुछ बात बा बात नहीं खे। अच्छा एक बात बताएं बियाह लव मैरिज भेला की अरेंज मैरिज हम सुने बनी ऑडिशन के दौरान कि इनकर शादी शायद माँ बाप कहीं और चाहता नहीं करे के
और ये चादरानी कहीं और जी, वो बताए तो खुद बड़ा अच्छा लगी। भौजी बोलिए आप। नहीं, वो कह रहे हैं जिनका से चाहते रहे उनका से तो ब्याह हो ये गई, अब कुछ होना चाहिए हमरा के। घर वाले भी खुश हैं सारे? हाँ, सब कोई। लेकिन आप मुझे लगता है जो डिसीजन जीवन में लिए होंगे ना बहुत अच्छा लिए हैं और हमेशा बोल्ड रही हैं इस मामले में। हम लोगों को सबको लगता है कि आप गेम में भी ऐसे स्प्रिट के साथ खेलना है और जीत के जाना है, ऐसा सोच के खेलिए। थैंक यू। विधा जी रघुवा से बस मैं तो यही कहूंगी कि भौजी इसी तरह से खिलखिला के गाते रहिए। मुझे मालूम है कि आप घर में जितने त्योहार होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, गाती हैं। आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं पर आपकी आवाज़ में ऐसी बात है कि अगर आप सीखें तो आप बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं। आप सभी बहुत अच्छा रहा ये राउंड। इंदु जी बहुत अच्छा लगा हमरा, और खासकर चैती भौजी जी एकदम छोटी सी लौंग मिर्ची बहुत अच्छा लगा, एकदम कूद कूद के गावत रहनी और अच्छा सुर में गौनी है और बहुत अच्छा लगा। और रोवे धोवे के कोनो जरूरत नहीं के, आदमी जब अपन मन से कोनो फैसला लेवे लाना तो जरूरी नहीं कि सब केहू खुश हो को। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भी जब पहली बार सिंगर बनने के लिए मैंने सोचा, वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं सिंगर बनूंगी, तो मेरे ऐसे कुछ परिवार में से ही कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि तुम गाओगी तो तुमको गोली मार दूंगी। अभी भी गांव में लोगों में मन में ये है कि गाना बजाना नाचना ये सब बेकार है, अब तो समय भी बदल गया है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं गाऊंगी, बिल्कुल गाऊंगी, इसी लाइन में रहूंगी और आज वही सब लोग मुझे देखने के लिए तरसते हैं, इसलिए घबराने का नहीं। ठीक है। और अब हम भी अपन दिल के बात रहे इनसे बता दें कि हम भी जब इंडस्ट्री में आए रहनी तो हम ही सिंगर बने आए रहनी। फिर हमारे से एक भाई बोल रहे कि भाई राउर भी कान बा रुआ गायम तो रुआ भी सुनाई दी, तो हम चुप हो गए नहीं, फिर हम छोड़ देनी। अदरवाइज रुआ लोग इनके हमारे बहुत सारा गाना सुनने के मिली। फिलहाल रुआ लोग इन भाई हमारे को नया ताजा तरीन पेटी पैक ब्रेक ली बनल रही हमारा साथ देखते रहे भौजी नंबर वन सीजन सात। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत भौजी नंबर वन सीजन सात में, और चार भौजन के साथ हमने के खेल पे खेल राउंड पे राउंड हो रहल बा। और जे अब अगला राउंड बा, यहाँ खेल भी बा, नंबर भी बा, और साथ ही साथ अपन मोहब्बत के इजहार करे के एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरा अवसर भी बा। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ राउंड के स्वागत कर जाओ इजहारे मोहब्बत। इजहारे मोहब्बत में एक मिनट के समय सभी भोजन के दहल जाला और वो एक मिनट में इन लोगों के अपन अपन मोहब्बत के इजहार करेगा बा। देखा जाओ कि एक मिनट में कौन सा अच्छे शब्दों के चयन करके ये लोग लिख के हमरा दिखा रहा बा लोग और जज लोगन के प्रभावित करके नंबर उठा रहा बा लोग। तो इजहारे मोहब्बत एक मिनट के समय सभी भोजन ला स्टार्ट। अनुभव अपन लिख सकता नहीं, कोई ऐसा बात जे वजह से भैया ला और भी ज्यादा श्रद्धा और भी ज्यादा प्यार जागल हो, कौन वजह से वो स्पेशल बाड़े या जोन बात कहे के चाहे नहीं लोगिन लेकिन कहना पहनी लोगिन, और समय समाप्त। इजहारे मोहब्बत सबसे पहले कजरी भौजी इनकर पढ़ल बानी रहो लोगिन गौर से सुनें। हे मेरे प्रियवर पति, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है,
जैसे चांदनी रात चांद के बिना अधूरी है। ठीक उसी प्रकार मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है, अधूरी है, अधूरी। बहुत खूब। चैती भौजी अपन मोहब्बत के इजहार कर रहल बाड़ी। मेरे पति जिया के पापा, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूं, एक वक्त ऐसा था जब मैं बहुत अकेली थी, तकलीफों के वक्त से गुजर रही थी, और आपने मेरा साथ दिया, आप जैसा कोई नहीं। लव यू, लव यू, लव यू। बहुत खूब। ठुमरी भौजी, माई डियर स्वीट हार्ट, आई लव यू। मैं आपको बहुत याद कर रही हूं और आपसे बहुत प्यार करती हूं। वैसे तो प्यार शब्द की कोई सीमा नहीं, पर अगर इसे मैं प्यार में बांधने की कोशिश करूं तो मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आप। पूर्वी भौजी कहरालबाड़ी, कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, सांस हूं मैं तो तुम हवा हो, धड़कन हूं मैं तो तुम मेरी दुनिया हो, खुशबू हूं मैं तो तुम हवा हो, तेरे बिना मुझको नहीं जीना, तुझसे ही है मेरी सारी दुनिया। इजहारे मोहब्बत बहुत खूबसूरत ढंग से रवलोगिन कैनी, और ए पे मार्किंग भी हो गई बा, और प्रतिक्रिया हमने के जानल जाओ। सबसे पहले विधा जी रवा से। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो लिखती हैं तो मैं भी लिखती हूँ। हाँ ये है। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं, मेरा लिबास है तू, जिंदगी मेरी तेरे गिर्द घूमती है इस कदर कि आम है सारा जहां, मेरे लिए खास है तू। सारी भौजियाँ कितनी रोमांटिक हैं, ये बात मुझे पता चली है जिस तरह से इन लोगों ने अपना इजहार मोहब्बत किया है, कितना ब्यूटीफुल, एकदम दिल को छू गया, और आपके उनके भी दिल को छुआ ही होगा। बहुत सुंदर। विदा जी ऐसा बोल देती हैं कि उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। तो मैंने इन्हीं के लिए दो चार लाइनें लिख दी। हमने कहा चलो ये कहीं और लिख रहे हैं, हम इन पर लिख देते हैं। मैं राजकुमार करता हूँ इजहार, मोहब्बत की पूरी किताब है ये, मोहब्बत की पूरी किताब है ये, सभी सवालों का जवाब है ये, हर विधा में है कमाल, क्योंकि बगल में बैठे हैं गोपाल। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है इंदु यहाँ बैठी हुई हैं जी, तो प्रियश इंदु से भी पूछो इन्होंने कैसे अपने प्यार का इजहार किया था, और अगर अभी करना हो तो कैसे करेंगे। जी इंदु जी बिल्कुल। हाँ जरूर। सबसे पहले मैं सभी के लिए कहूँगी कि बहुत अच्छा आप लोगों का ये परफॉर्मेंस रहा, और जो मोहब्बत की जो शुरुआत होती है, पता है कहाँ से होती है? आँखों से होती है। और मैं ये दो चार लाइन आँख के ऊपर कहूँगी, जो जहाँ से मोहब्बत शुरू होती है। अखिये दिल में नेह जगावे, मन मद होश मगन मत वाला, मन के गति पा लागे न ताला, अखिये प्रेमी बनावे हो, अखिये दिल में नेह जगा, अखिये दिल में नेह जगावे। थैंक यू। और अब हम ले रहल बानी एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ब्रेक, तो देखते रहे हमने के साथ भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन, भौजी नंबर वन।
ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक के बाद हमने के वापस आगल बानी सन राउर चाहता प्रोग्राम भौजी नंबर वन सीजन 7 में। इजहारे मोहब्बत अभी थोड़ा देर पहले भेल रहा है, जहां मोहब्बत के बारे में मोहब्बत के प्रोफेसर लोग अपन अपन राय दिलक है लोग। यही बात के साथ आज के राउंड स्टार्ट करता नहीं, जे पे रुवा लोग इनके मारे के बा चौका, यानी मौके पे चौका। मौके पे चौका इस राउंड में भौजियन से दो सवाल पूछल जाए, भौजी लोग के जवाब लिख के छिपा ले के बा, और बाकी तीन भौजियन से वो जवाब मांगे के बा। बाकी जे भी भौजी के फंसा रहा बाड़ी, वो भौजी अगर जवाब सही दे दे रहा बाड़ी, तब तो 5 अंक उनकर खाता में जुट जाए जो जवाब दिली है, और अगर भौजी जो फंसले बाड़ी उनकर जवाब भी सही बा तो फिर उनकर भी खाता में 5 अंक और बताए वाला भौजी के भी 5 अंक। लेकिन अगर भौजी खुद गलत जवाब दे रहा बाड़ी तो उनका तो कोई अंक ना मिली, लेकिन जो भौजी के फंसले बाड़ी वो भौजी अगर गलत जवाब दे रहा बाड़ी तो उनकर -5 हो जाए। यही से कहा जाता कि -5 से बचेला रउआ लोग इनके खेले के बाद मौके पे चौका। सबसे पहले पूर्वी भौजी तैयार हो जाए। रउआ से हमारा पहला सवाल बा लिखे के बाद, साइबर क्राइम में इनमें से क्या शामिल है? ना इंटरनेट पर क्राइम व्राइम होला, कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, या इनमें से सभी। जवाब लिख देनी दी हमरा। अब बताएं कौन भौजी के फंसावे के चाहे? ठुमरी। ठुमरी भौजी अगर जवाब दी इनमें से सभी। पक्का? पक्का। ये जवाब बिल्कुल सही है। 5 अंक ठुमरी भौजी रुआ मिल गई यहाँ, और पूर्वी भौजी रुआ भी सही जवाब दे ले रनी तो 10 अंक मिलल रहे, लेकिन वो 5 अंक इनका पास हो गई, तो रुआ लगे भी 5 बा, ठुमरी भौजी लगे भी 5 बा। दूसरा प्रश्न बा, दूसरा मौका बा रुआ लगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बिजली बचत योजना, बचत लैंप योजना, लैंप जलाओ योजना, विद्युत बचाओ योजना। बताइए किस भौजी से सवाल का जवाब सुनना चाहती हैं? सर चैती। चैती भौजी अगर जवाब दी दूसरा, बचत लैंप योजना। हाँ दूसरा। बिल्कुल सही बात, बहुत खूब। 5 अंक चैती भौजी के मिलल और पूर्वी भौजी 5 अंक से संतोष करे के पड़ी। बढ़त तानी आगे ठुमरी भौजी, रउआ से हमारा पहला सवाल बा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? ऑप्शन बा, राजा बनने के बाद, उनकी माता की हत्या होने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, वृद्धावस्था में। अब बताइए किस भाभी को फंसाना चाहती हैं? आपके ध्यान में कौन भौजी है जिनके नंबर को आप कटाना चाहते हैं? भौजी के नाम बताइए। चैती। चैती भौजी के फंसा देने वाली, चैती भौजी अगर जवाब दी तीसरा। तीसरा ऑप्शन बा, कलिंग युद्ध के बाद। हाँ। हाँ, हाँ। जवाब सही बार हुआ? हाँ, हाँ जी सही बार। युद्ध रुआ बैठ के देख ले वाली, युद्ध डेली घोड़े में कोड़े नहीं था ना। बिल्कुल सही जवाब, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म युद्ध कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो 5 अंक चैती भौजी रुआ यहाँ मिल गई, आ ठुमरे भौजी राउर जवाब भी सही बा, 5 अंक रुआ भी मिल गई। दूसरा सवाल का जवाब देगा बा, सवाल बा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस बा, ए संसद, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी सीक्रेट कमेटी, डी राष्ट्रपति। जी बताएं कौन भौजी के फंसावे के चाहे? पूर्वी भौजी। पूर्वी भौजी। पूर्वी भौजी अगर जवाब दें सर डी राष्ट्रपति। रघु जवाब देनी है डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब, और 5 अंक राउर खाता में बढ़ गई। ठुमरी भौजी राउर जवाब बा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये जवाब गलत बा। ठुमरी भौजी यहाँ दूसरा सवाल में रघु के 0 अंक मिलल, ठीक बा। ठुमरी के बाद चैती भौजी, गुड़िया भौजी पटना से। पहला सवाल बा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है राउर? ऑप्शंस बा, भारत के प्रगति से संबंधित योजना, 4 महानगरों से संबंधित योजना,
चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना या इनमें से कोई भी नहीं। चार ऑप्शन लिख लें, रुको जाओ, बहुत बढ़िया जवाब दे दी। बताइए कौन भौजी के फंसावे के चाहे? ठुमरी भाभी के। ठुमरी भाभी अगर जवाब दें, जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना, ये बिल्कुल सही जवाब बा। दोनों भौजी लोग सही जवाब दिले बालो, ऐसे पांच पांच अंक। आगे बढ़ता नहीं, दूसरा मौका बा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में, हरिकोटा में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? कौन भौजी के फंसावे के चाहे? इनकार है। ठुमरी भौजी जवाब दें, हैदराबाद में। हैदराबाद में गलत जवाब बा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में बा, और गुड़िया भौजी राव जवाब सही बा। गुड़िया भौजी के यहाँ मिल गई 15 अंक, 10 इंकर सही जवाब ला और 5 राव माइनस जे भइल, इंकरा में ऐड हो गई। ठीक, सही फसैली है। कजरी भौजी पहला सवाल पर हुआ कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951-52 में, 1950-51 में, 1949-50 में, 1947-48 में। जी भौजी कौन भौजी के फंसावे के चाहे? पूर्वी भौजी से। पूर्वी भौजी, पूर्वी भौजी एकर जवाब दें। सर फर्स्ट 51-52 में। पता है आपको, पक्का याद है आपको? ये जवाब बिल्कुल सही है और राव जवाब भी बिल्कुल सही बा। तो पांच पांच अंक दोनों बहन लोग के बट गई, खुश रही लोग। अच्छा अब दूसरा सवाल, दूसरा मौका। कजरी भौजी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में? और कौन भौजी के फंसावे के चाहे? चैती भौजी, चौथी भौजी, चैती भौजी कर जवाब दें। तीसरा का बोलला? बिहार। बिहार, हाँ वही है। बिहार राउट जवाब बिल्कुल सही बा, और राउट जवाब भी बिल्कुल सही बा। फिर से पनघट वाली दोनों सहेली के पांच पांच अंक बांट देने। ठीक ना, अब चल जाओ अपन जज लोगन के पास में। गोपाल जी थोड़ा सा दिक्कत रहे नंबर की, ये कुल यानी मिल के ठुमरी भौजी के फसौले वाले लोग, जी जी जी, रगड़े ला लोग। पहले आए वाला लोग तो कहे लोग कि हम लोग सारी सखी हैं, बड़ी बड़ी सखी हैं, सखी है। बड़ी आनंद आई, बड़ी खूबसूरत ढंग से आप सब खेलने खेल के। जय विधा जी। इस राउंड को मैं कहती हूँ तख्ता पलट राउंड, क्योंकि कोई नहीं जानता इसमें किसके कब नंबर ऊपर हो जाए और कब नंबर नीचे। ब्लड प्रेशर की तरह, ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो। भाऊजी आप लोग ने बहुत अच्छा खेला है, नंबर हमने दे दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। राजकुमार भैया यह एगो राउंड एसन बा जिसमें उथल पुथल हो जाला और एकरा पहले सब लागेला कि अभी आ जाइए ही आ जाइए, लेकिन मैं आके एकदम पूरा सब ऊपर नीचे हो जाला। अब हम ले रहल बानी एक छोटा सा ब्रेक, तो बनल रही हमने के साथ, देखत रही भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1 ब्रेक के बाद एक बार फिर से भौजी नंबर 1 सीजन 7 में हुआ प्लस पर हुआ लोगिन देख रहा बानी, और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बाद अब भौजन के रिजल्ट हमारे हाथ में बा, जे रोल इनके हम सामने रख दें और रोल इनके मालूम पड़ जाए कि आज भौजी ऑफ द डे कौन बनियन। तो भौजी ऑफ द डे पहले से बड़ी पूर्वी भौजी, उनकर दिल में उमंग बाकी भाई आज भी हम ही बनी, पर बाकी लोग भी बहुत अच्छा खेल रखा, खासकर गुड़िया भौजी बहुत अच्छा खेल ली है। तो आज का रिजल्ट हुई ई अब बतावे के घड़ी आ गई, तो ई घड़ी में जाए से पहले सबसे पहले अपन जज लोगन के पास जाए के चाहे और ई लोग के शुभकामना, ई लोग के दुआ, ई लोग के आशीर्वाद रहुआ लोग इनके दिलवाए के चाहे, देन हमने के प्रोग्राम में रिजल्ट पे जाए। तो सबसे पहले राजकुमार भैया आपसे ढेर सारी शुभकामना, और हमके लगा था कि जे बढ़िया खेल ले हमने के उनके बहुत बढ़िया मार्ग दिले बनी जा, और अगला एपिसोड खाती फिर तैयारी करे के बाद सबके एकदम जम के खेले के बाद। थैंक यू। उठा हुआ हर हाथ दुआ के लिए नहीं होता, झुका हुआ हर पर्दा हवा के लिए नहीं होता,
अपनी गलतियों से भी चराग कभी कभी बुझ जाते हैं, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो अगर आपके नंबर कम हुए हैं तो उसमें आप ही की गलती है, कोई बात नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे इस सेगमेंट में, क्योंकि अगले एपिसोड में फिर आपके पास चांस है बहुत सारे नंबर बनाने के लिए। गुड लक भाई, हर राउंड के प्रतिक्रिया तमने के दे ही दिलवानी जी। अभी बस ये कहब कि अब अगला दिन नया उत्साह और नया मिजाज संगे आप सब आए, ढेर सारा शुभकामना। शुभकामना एक लाइन में राउर भी हो जाए, सब केहू के शुभकामना बा हमरा ओरी से हमेशा रही, कहे कि इसमें हारने वाली कोई बात नहीं किसी में होनी चाहिए, हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो अपना काम है वो ईमानदारी से करना है और तन मन से करना है, मेहनत से करना है, ठीक है। और अब रिजल्ट सामने रवलो इनके रखा था नहीं। सबसे पहले पूर्वी भौजी गीत बहार राउंड इराउंड में इनका मिलल है आज 15 अंक, इजहारे मोहब्बत में 20 अंक, मौके पे चौका इराउंड में मिलल है 25 अंक, कुल स्कोर बार राउर 60। ठुमरी भौजी जमशेदपुर से ही प्रमिला भौजी पहला राउंड में बनेली है गीत बहार में 15 अंक, इजहारे मोहब्बत में 20 अंक, मौके पे चौका इराउंड में मिलल है इंकरा 10 अंक और टोटल इंकर बा 45 अंक। चैती भौजी गुड़िया भौजी गीत बहार राउंड में इंकरा मिलल है 20 अंक, इजहारे मोहब्बत में मिलल है 20 अंक, मौके पे चौका पे ठोक दिली है 35 अंक, कुल बा इंकर 75 अंक। कजरी भौजी पूनम सिंह बोकारो से गीत बहार में मिलल है 10 अंक, इजहारे मोहब्बत में तरक्की 15 अंक, मौके पे चौका पे फायदा ना उठा पाली है, मौके पे चौका इराउंड में 10 अंक, कुल बैंकर 35। यानी चैती भौजी गुड़िया भौजी हमने के आज बनल बड़ी भौजी ऑफ द डे, बहुत बहुत इंकरा बधाई बा। बधाई बा और बहुत अच्छा, पिछला वाला स्कोर भी जुड़ी, आज वाला स्कोर भी जुड़ी और उकरा बाद फिर तीसरा एपिसोड में जोन रउवा लोगिन परफॉर्म करें वो नंबर साथ साथ चली, तो तीसरा एपिसोड ला अब ध्यान रउवा लोगिन लगाई ऊपर फोकस करी कि वो कैसे अच्छा हुई। कंपटीशन में अभी ठुमरी भौजी कजरी भौजी रउवा लोगिन बानी, तो तीसरा मौका के बिल्कुल हाथ से ना जाए दी। यही बात के साथ रउवा लोगिन से इजाजत प्रियेश सिन्हा के दी और अपन ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, टेक केयर एंड बाय बाय, देखत रहें भौजी नंबर 1 सीजन 7। Hoji number 1